नमस्कार, आप देख रहे हैं जय हरियाणा टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबर की ओर। लोहारू विधानसभा के गांव बरालू में कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल ने की शादी में शिरकत। हरियाणा के मशहूर सिंगर देवकरण की भतीजी की शादी के खास मौके में शामिल हुए। इस शादी समारोह में मास्टर लीला राम बिसलवाल, डॉक्टर करण सिंह व एडवोकेट दीपक मोरका व राजपाल नंबरदार मोरका आदि लोग शामिल रहे। कृषि मंत्री ने हंसी के साथ लोगों के जवाब दिए और लोगों की जनसमस्याएं भी सुनी और नायक समाज की भी समस्या सुनी। नायक शब्द को भी एससी कास्ट में शामिल करवाने के लिए मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन लिखा। हरियाणा के कृषि मंत्री ने नायक समाज को भरोसा दिलाया कि उनके रहते उनका काम अवश्य हो जाएगा। इसी बीच हमारे सहयोगी पत्रकार कर्मवीर सारसर ने कृषि मंत्री से सवाल किया कि आप लोहारू विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे क्या। जेपी दलाल ने लोगों को अपना आशीर्वाद बताते हुए कहा कि जनता कहेगी तो जरूर चुनाव लड़ूंगा। इस बीच हम आपको हरियाणा के कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल, जय हरियाणा टीवी के पत्रकार कर्मवीर सारसर के बीच बातचीत सुनिए। इस वक्त की आपको तस्वीर बरालू गांव से दिखा रहा हूँ। हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री साहब, लोगों की एक पब्लिक की एक आवाज़ आ रही है कि लोहारू विधानसभा से मंत्री जी चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। भाई लोग लड़ाएंगे तो लड़ दूंगा, पार्टी लड़ाएंगे लड़ दूंगा। हम तो तैयार हैं। मैं तो लड़ने वाला कोई हूँ नहीं, ना लड़ाने वाला हूँ जी। लेकिन ये है कि जब तक जिम्मेदारी दे रखी है पूरी तरह इनके अंदर रहता हूँ, इनके काम करता हूँ और आज इनको न्योता देने आया हूँ कि 11-12-13 को पशु मेला है हरियाणा का दादरी में उस्मावे और 10-11-12 को कृषि का मेला है हिसार में उस्मावे और इनकी एक समस्या है। आज ये नायक समाज में आया हूँ कि पोर्टल में समस्या है कि नायक और एडी में किसी को बीसी बना दिया, किसी को एससी बना दिया। इसकी मैं ऊपर बात करके चंडीगढ़ इस समस्या का समाधान करूँगा। एक और है सर, मैं आपको छोटी बात और कर लेता हूँ सर आपका। जैसे कि एक तरफ तो एक समाज सेवी है एक पार्टी का और एक तरफ है कृषि मंत्री, दोनों मिलकर अपना विधानसभा लोहारू में अच्छा काम कर रहे हैं, जनता खुश है, लेकिन मंत्री साहब कैसे भेद पाएंगे उस समाज सेवी को सर? ऐसा है कि जितने समाज सेवी हों, जितने समाज का भला करना चाहते हों, वो अच्छी बात होती है। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि सारा ही आदमी समाज सेवा करे इलाके की, और देखना यह है कि समाज सेवी के रूप में कोई निजी स्वार्थ से कोई काम कर रहा है, समाज सेवा का काम कर रहा है। अगर स्वार्थ की अगर भावना है तो फिर समाज सेवी नहीं हो सकता, और समाज सेवी है तो स्वार्थ की भावना नहीं। पीपी के अंदर सर बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, 5 साल के बच्चे का भी एक इनकम दी हुई है। वो जो चीज़ें नई चीज़ आती है उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है, उसमें सुधारेंगे। बिल्कुल। तो जैसे कि आप तस्वीर देख पा रहे थे जय हरियाणा टीवी पे, और मंत्री साहब ने जो हमें बात किया है कि जो पी है उसके ऊपर भी, और लोहारू हल्के के लिए बात की, आप देख रहे थे जय हरियाणा टीवी के लिए कर्मवीर सारसर की रिपोर्ट। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जय हरियाणा टीवी। नमस्कार।